हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एलएस मान किचन में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सूजी का हलवा, बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाले हैं। और इसमें एक मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का डालने वाला हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम यहाँ पे सूजी का यूज किया है, और उसी के साथ लगभग 80 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने यूज किया है चीनी का। तो 80 ग्राम चीनी लेनी है, और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने यहाँ पे लेना है देसी घी। तो लगभग 80 ग्राम ही मैंने देसी का घी का यूज किया है। और पानी कितना लिया है, पानी हमेशा 3 गुना लिया जाता है, और उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट, तो मतलब लगभग 300 ml पानी। और यहाँ पे सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो मैं आपको बताने वाला था वो है ये मैंगो। तो मैंगो का हम इसमें यूज करेंगे, सच में बहुत ही बढ़िया इससे फ्लेवर आता है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो यहाँ पे ये करना है कि पानी जो हमने लिया है उसको गर्म होने के लिए रख देना है, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि गर्म पानी का ही हमने यूज करना है। सूजी बहुत ज़्यादा जल्दी भून जाती है, तो बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आता है तो पानी का जो गैस है उसको बंद कर देना है और इसको रख देना है एक तरफ। तो अभी चलते हैं हमारे मैंगो की तरफ। तो मैंगो को इस तरीके से क्यूब्स में काट लेना है, छिलका और गुठली अलग कर देना है, और इसको डालना है मिक्सी में, और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो मैंगो का यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने मीठे आम का यहाँ पे यूज करना है। आम थोड़ा सा खट्टा नहीं होना चाहिए, जिससे टेस्ट है मतलब बिगड़ जाएगा अगर खट्टा होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से फाइन इसकी प्यूरी है जो बना लेनी है, और इसको रख देना है एक तरफ। तो चलिए अभी हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी को गर्म करना है। तो घी को कढ़ाई में डाल दिया है, गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। उसके बाद जैसे ही घी गर्म हो जाता है अच्छे से, तो उसके अंदर डालनी है सूजी, और सूजी को यहाँ पे बढ़िया से भून लेना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। तो लगभग 3 से 4 मिनट सूजी को यहाँ पे लगते हैं, तो इसको बढ़िया से यहाँ पे भून लेना है, लगातार इस तरीके से चलाते रहना है ताकि सूजी नीचे लगे ना। तो इस तरीके से इसको बढ़िया से यहाँ पे भून लेना है। तो देखिए दोस्तों, सूजी यहाँ पे भून चुकी है हमारी। कलर देख सकते हो आप वीडियो के अंदर, कलर मतलब सूजी का थोड़ा सा चेंज हो चुका है, हल्का सा डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इसी कलर पे फटाक से आपने डालना है पानी। तो पानी जितना हमने यूज किया था सारा का सारा पानी एक साथ ही यहाँ पे डाल देना है, और पानी के साथ यहाँ पे हमने चीनी है वो चीनी भी डाल देनी है, ताकि चीनी बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, चीनी पानी के साथ ही यहाँ पे डाल देनी है, ताकि चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। और ये आपको अभी पतला दिख रहा होगा, ये पतला बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पानी डालने के बाद सूजी फूल जाती है, तो ये बहुत जल्दी ये मतलब थिक हो जाएगा। तो अच्छे से इसको भुनना है, और इस टाइम पे यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी डाल देने हैं, ताकि वो भी पक जाएं, कच्चे ना रहें। तो अच्छे से सारे के सारे ड्राई फ्रूट डालने हैं, और इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस तरीके से भून लेना है। और उसके बाद हम इसमें जो हमने मैंगो की जो प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो अच्छे से थोड़ी देर के लिए मतलब लगभग 1 आधे मिनट के लिए इसको इस तरीके से चलाते हुए लगातार भून लेना है। और उसके बाद हम अभी क्या करेंगे कि हमने जो प्यूरी बनाई थी मैंगो की, वो मैंगो प्यूरी इसमें ऐड कर देनी है। तो मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद देखिएगा, कलर बिल्कुल इसका बहुत ही बढ़िया वाला कलर इस पर आ जाएगा, कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका। तो अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे, इस तरीके से बढ़िया से मिक्स कर लेना है, ताकि बहुत ही बढ़िया से मतलब फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अच्छे से इसको पकाना पड़ेगा अभी 1 से 2 मिनट, क्योंकि मैंगो को हमने डाला है, तो मैंगो का फ्लेवर है जो सूजी के अंदर आना चाहिए अच्छे से। तो इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। तो देखिए, वैसे तो हलवा रेडी हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा पका लेना है, ताकि आम है जो हमारा कच्चा ना रहे, और इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भून लेना है थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मतलब हलवा जब 1 से 2 मिनट मतलब मैंगो को भून लेते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर ऐड किया है। तो केसर से बहुत बढ़िया मतलब फ्लेवर आएगा, इसका कलर भी थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए, अभी कढ़ाई को छोड़ने लग गया है बिल्कुल, तो हलवा मतलब बनके हमारा रेडी हो चुका है। यही हलवे की पहचान होती है, जब कड़छी और मतलब कढ़ाई को हलवा छोड़ने लग जाए, तो हलवा मतलब बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो इस टाइम पे हमने गैस को कर दिया है बंद, और बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है हलवा बनके हमारा। तो देखिए कलर कितना बढ़िया है, बिल्कुल टेस्टी सा यहाँ पे लग रहा है हलवा। तो बिल्कुल भी कढ़ाई के चिपक नहीं रहा है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे ये रेडी हो चुका है।
तो देखिए दोस्तों, सूजी का हलवा विथ मैंगो यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। मैंगो का हलवा भी आप इसको बोल सकते हो। तो सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बता दिया आपको मैंने वीडियो में किस तरीके से बनाना है, तो इसको घर पे बना के जरूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।